हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़ा में होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो आप ही के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपने अपने फ़ोन के ऊपर पैटर्न लगाया हुआ हो और उसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं। आज के इसी वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन का पैटर्न कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ढूंढ लेना है। अपने फ़ोन की सेटिंग कहाँ पे है वो चीज़ आपको ढूंढनी है, फ़ोन की सेटिंग कहाँ पे है। तो मेरी फ़ोन की सेटिंग यह रही तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ढूंढना है, कहाँ पे लॉक स्क्रीन को चेंज करने का ऑप्शन आता है उसको ढूंढना है। तो ये देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर ये आ चुका है लॉक स्क्रीन एंड AOD। ये इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऐसा इंटरफेस देखने के मिलने के बाद आपको ये देखो ऊपर ही ऊपर निशान दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन लॉक टाइप है। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो अपना अभी वाला पैटर्न है ना, पासवर्ड है, लॉक है, कुछ भी है, उसको यहाँ पे डालना है। तो मैं अभी वाला लॉक डालता अभी हूँ। वाला डालने के बाद में फिर ये इस ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आने के बाद में अब आपको क्या रखना है, यहाँ पे पिन रखना है, पासवर्ड रखना है, पैटर्न रखना है, या नॉर्मली स्वाइप अप रखना है, या कुछ भी नहीं रखना है। तो अब मैं यहाँ पे पिन को हटा के पैटर्न लगाने वाला हूँ। पैटर्न के लिए हम अपने को यहाँ पे पैटर्न के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है। पैटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको कोई भी पैटर्न लगा सकते हो। मैं एग्जाम्पल ये एन लगा के बताता हूँ आपको। फिर बाद में एक बार लगाने के बाद में फिर कंटिन्यू करना है। वापस कंटिन्यू दो बार ऐसा आएगा, ये कंटिन्यू हो गया, कंफर्म कंफर्म। तो अब आपका ब्लॉक से हट के, पिन से हट के आपका पैटर्न लग चुका होगा। ये देख सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अब ये एन लगाते ही ये देखो ये खुल गया। इस प्रकार आप अपना पिन को चेंज करके पैटर्न लगा सकते हो या पैटर्न को चेंज करके पिन लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। मुझे पता है कि आपको आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो आपको समझ में भी आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ भेज दीजिए इस वीडियो को। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियोस का नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।